सबने देखा हुआ है, लेकिन मैं कुछ और इसमें कुछ और फैक्ट्स जो हैं कुतुब मीनार के अंदर जो चीज़ें मिलती हैं तो उसके बारे में आपको बताऊँगा। वेलकम टू अनदर व्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी देर बाद ये व्लॉग आया है तो मैं आ गया हूँ। ये यहाँ पे दिल्ली में मेहरौली जगह है, तो यहाँ पे है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार में आपको कुतुब मीनार दौर में सबने देखा हुआ है, लेकिन मैं कुछ और इसमें कुछ और फैक्ट्स जो हैं कुतुब मीनार के अंदर जो चीज़ें मिलती हैं तो उसके बारे में आपको बताऊँगा। और आप भी देखिए कि क्या नई चीज़ है कुतुब मीनार में देखने के लिए, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, आके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आने के लिए एंट्री टिकट जो है वो 25 रुपीज़ की है इंडियंस के लिए, और जो फॉरनर्स हैं उनके लिए 600 रुपीज़ की है। तो आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे क्यू में खड़े होकर आप टिकट ले सकते हो। तो यहाँ पे एक ऐप भी है, उसमें QR कोड स्कैन कीजिए और उसके थ्रू भी आप ऑनलाइन अपने फ़ोन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये मोड है यहाँ पे आने के लिए, और ये संडे को ही 8 बजे तक खुलता है, सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आप कभी भी आ सकते हो। और बहुत अच्छा प्लेजेंट एरिया है, खुला है, ग्रीनरी है चारों तरफ, और आप इन्जॉय कर सकते हो यहाँ पे। तो ये देखिए, ये कुछ एरियाज ये है मेरे से, ये कुतुब मीनार देखिए पूरा। और इसके साथ में ये है पिलर हो, जो कि एक ऐसी मेटल का बना हुआ कि जो किसी को पता नहीं है किस मेटल का है, और इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं, कुछ लैंग्वेज लिखी हुई है, वो भी किस लैंग्वेज में है, कोई डिफरेंट लैंग्वेज है जो कि रीडेबल नहीं है। और कुछ साइंटिस्ट ने इस पिलर से कुछ पार्ट भी लेके गए हैं ताकि पता चले कि ये किस मेटल का है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता है चल रहा है। देखने में थोड़ा सा लोहे की तरह लग रहा है, और लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे इसको ऐसे करके आप छू नहीं सकते, मतलब पकड़ नहीं सकते ऐसे करके, देखने में बहुत पतला लग रहा है, लेकिन जो ऐसे पकड़ना है इसको दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक ये भी इसकी एक फैक्ट है, जो एक खास बात है इस पिलर की। तो आइए देखते हैं उसे पास के जाके पिलर को कैसे लगता है पिलर। ये है पिलर, देखिए मेटल का है, ये लोहे जैसा लग रहा है, और इसमें कुछ कैरेक्टर्स भी लिखे हुए हैं। ये जो पिलर है, इस पिलर को ये 23 फीट इसकी हाइट है इस पिलर की, और 5800 कुछ kg वेट है इसका। ये इसको द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली बोला जाता है। तो ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त जो राजा थे तो उन्होंने ये पिलर बनाया था। तो ये जो है जो कम्प्लेक्स है, ये कुतुब कम्प्लेक्स है, कुतुब मीनार कम्प्लेक्स, उसके अंदर है ये पिलर। और ये कुछ माना जाता है कि कुछ ऐसे मेटल्स के साथ बनाया गया है कि जिसमें रस्ट नहीं लगता, तो रस्ट प्रूफ ये मटेरियल है। लेकिन लोग सिर्फ कुतुब मीनार की तरह ही यहाँ पे देखने आते हैं और देख के चले जाते हैं। तो एक डिफरेंट चीज़ है नहीं जो मैंने आपको बताई है, तो आप भी आइए आगे यहाँ पे देखिए, तो आपको ही नज़र आएंगे ये सारी वाले स्ट्रक्चर्स की, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ वाकई ये टेम्पल की तरह इसका स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए मेरे पीछे और भी हैं, ये है सारा, ये पीछे सारे जो पिलर हैं और इसमें जो स्ट्रक्चर है जो मीनाकारी की गई है वो टेंपल्स में, ये देखिए जिस तरह ये जो मीनाकारी है ये सारी टेंपल में हुआ करती है, तो उस तरह की ये चीज़ें बनी हुई हैं। ये इस तरह के ये जो पिलर है बरामदे, ये इसके चारों तरफ बने हुए हैं इस पिलर के, और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टोन के साथ में, सिंगल और मल्टीपल स्टोन के साथ में ये स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो ऐसे बरामदे हैं ये वाले, और इस तरह का कुछ ये है नज़ारा यहाँ का। ये शाम के 5:41 हो गए हैं अभी इस समय, और सनसेट होने वाला है, इसीलिए
थोड़ा सा आपको ये ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा होगा। ये क्या सुंदर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं यहाँ पे। नज़ारे कुतुब कम्प्लेक्स के सब लोग यहाँ पे जैसे आगरा में ताजमहल को की गोदी पकड़ के फ़ोटो खिंचवाते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी लोग कुतुब मीनार की ऊपर से ये अली पकड़ के खिंचवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपना अपना वो है, अपना मज़ा है, अपना अपना चाव है। और कम्प्लेक्स काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। तो शाम का टाइम है, प्लेजेंट वेदर है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और जो लाइट्स किस तरह की, इन्होंने काफ़ी शेड वाली लाइट्स लगाई हुई हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं। फॉरनर्स भी यहाँ पे काफ़ी आते हैं देखने के लिए, तो ये भी उनकी एक यहाँ पे इंडिया में आके दिल्ली में एक इनका टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो लोग यहाँ पे कुतुब मीनार देखने आते हैं। हालांकि कुतुब मीनार में एंट्री बंद है, ऊपर कोई नहीं जाता, लेकिन लोग जो बाहर से ही कुतुब मीनार देख लेते हैं और बस वहीं से संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल गोल्डन लग रहा है, गोल्डन शाम के टाइम पे। और ऊपर जो है ये प्लेन भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बिल्कुल पास में है, तो सारे मैक्सिमम प्लेन जो हैं वो यहीं से ही होके ये रहा, तो मैक्सिमम प्लेन यहीं से होकर जाते हैं। तो लोग इन्जॉय करते हैं शाम को। तो अभी ये पहले मेरे ख्याल में मैं सुनता था कि 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन अभी मुझे लग रहा था कि आज बंद मिलेगा, लेकिन मैं शाम को 5 बजे आया था तो कोइंसिडेंटली खुला था। उन्होंने बोला कि 8 बजे तक है, तो मैं काफ़ी खुशी मिली कि भाई ठीक है, भाई अंदर जाके ब्लॉग बनाने का मौका मिलेगा। और आके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी देर बाद आया लेकिन काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। ये स्ट्रक्चर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्ट्रक्चर है। आप भी आना चाहो तो आइए यहाँ पे कुतुब मीनार में, बहुत सुंदर है। और देखिए इसकी, ये बिल्कुल गोल्डन लग रहा है, देखिए बिल्कुल गोल्डन। काफ़ी अच्छी लाइट्स लगी हैं जो कि अट्रैक्ट करती हैं टूरिस्ट को और लोकल्स को भी। तो दोस्तों होपफुली आपको ये आज का जो व्लॉग है अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और न्यू यूज़र्स जो हैं, न्यू मेरे दोस्त, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय करो, मज़े करो, बाय बाय।